भारत जोड़ो यात्रा के सफलता के बाद सिविल सोसाइटीज की तरफ से भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक की गई है जिसमें पूरे देश से सिविल सोसाइटीज शामिल हुए हैं। योगेंद्र यादव जी हैं सर, अब भारत जोड़ो अभियान आप लोग शुरू करने वाले हैं सिविल सोसाइटीज की तरफ से, क्या मकसद होगा और इसकी क्या पूरी रूप है? भारत जोड़ो यात्रा से इस देश में जो अभूतपूर्व ऊर्जा पैदा हुई है, उस ऊर्जा को एक बदलाव में, बदलाव की दिशा में मोड़ना सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की जिम्मेवारी नहीं है, वो हमारी भी जिम्मेवारी है। तो देश भर के जन आंदोलन के साथ ही आज यहाँ पे मिले और सब ने मिल के फैसला किया कि एक भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी। वो अभियान 7 साल चलेगा और 7 साल के इस अभियान में हम अगले 1 वर्ष का कार्यक्रम बना चुके हैं और इस देश की जनता ने मन बनाना शुरू कर दिया है और जन आंदोलन मिलके जनता की आवाज़ को जनता तक वापस पहुंचाएंगे। सर, 2024 चुनाव से पहले क्या भारत जोड़ो अभियान जो शुरुआत आप लोग करेंगे, इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितने आश्वस्त हैं आप इसे? हमारा कार्यक्रम है कि हम 2024 से पहले कम से कम 2 लाख प्रचारक ऐसे खड़े करेंगे जो झूठ का मुकाबला कर सके। देश में कम से कम 100 जगह पे हम कम्युनिकेशन सेंटर बनाएंगे, कम्युनिकेशन हब बनाएंगे, ट्रोल आर्मी के विरुद्ध हम ट्रुथ आर्मी खड़ी करेंगे और अंत में सत्य जीतेगा इस देश। कांग्रेस पार्टी से भी सहयोग लेंगे आप लोग इस भारत जोड़ो अभियान के लिए? आज आपने देखा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, 8 विपक्षी दल आए, CPI, CPM, RJD, RLD, NCP, DMK सबके प्रतिनिधियों ने हाँ की। तो मैं समझता हूँ BJP RSS का मुकाबला करने के लिए जो भी प्रतिबद्ध है उन सब के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दल से देश बड़ा है, इस वक्त देश बचाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना योगेंद्र यादव को जो सिविल सोसाइटीज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद अब सिविल सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो पूरे देश में भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो सहयोग है वो भी इसमें देखने को मिलेगा। तमाम विपक्ष के नेता आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए थे और एक साथ मंच साझा किया गया है। आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ फर्क भारतीय राजनीति पर पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।